अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आपकी दोस्त शाजिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा पूरा वीडियो है वर्मी कुलाइट के बारे में। आज मैं आपको वर्मी कुलाइट के गार्डनिंग में क्या यूजेस है और किस तरह ये कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, कैसे हम अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होंगी और हो सकता है बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हो। वर्मी कुलाइट को हम बहुत से तरीके से अपने जो है बागबानी में यूज़ करते हैं, गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, तो मैं इसके यूसेज के बारे में ही आपको आज बताने वाली हूँ। लोग ये भी नहीं जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वर्मी कुलाइट का यूज़ हम गार्डनिंग में कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ क्या क्या यूज़ इसके गार्डनिंग में होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वर्मी कुलाइट होता क्या है। दोस्तों वर्मी कुलाइट को सबसे पहले 1899 में यूज़ में लाया गया, लोगों को पता चला कि इसका यूज़ गार्डनिंग में किया जाता है। और वर्मी कुलाइट जो ये वर्ड है ये जो लैटिन भाषा के वर्मी वर्मी कुलर शब्द से लिया गया है। दोस्तों साइंस में ज़्यादातर वर्ड जो है, ज़्यादातर नाम जो है वो लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं, तो वर्मी कुलाइट का नाम भी लैटिन भाषा के वर्मी लिन नाम से ही लिया गया है। दोस्तों वर्मी कुलाइट हमको नेचुरल में एक रॉक के फॉर्म में मिलता है जिसको कि बहुत हाई फ्लेम पे पकाया जाता है, जिसके बाद हमको ये इस तरह की शक्ल में मिलता है। अगर ये कहा जाए कि ये रॉक की राख है तो गलत नहीं होंगे, ये एक तरह के रॉक की राख होती है। सबसे पहले ये रॉक की फॉर्म में हमको मिलता है और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रॉक की राख है। फ्रेंड्स वैसे तो वर्मिकुलाइट का यूज़ कमर्शियल तौर पे भी बहुत जगह किया जाता है, मगर हम इसका यूज़ गार्डनिंग में भी कर सकते हैं और करते भी है। बहुत से गार्डनर को क्या बहुत ज़्यादातर गार्डनर जो है उनको इसके बारे में पता होगा। इसको हम सबसे पहले तो सीडलिंग के लिए तैयार करते हैं। जब हम हमारे सीड लगाते हैं तो हमारी सीडलिंग हम इसमें लगाए तो हमारी सीडलिंग बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। दोस्तों गार्डनिंग में इसको जगह 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 बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम इसको सॉइललेस गार्डनिंग में के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह की जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। और जब हम बात करते हैं सॉइललेस मीडिया की तब इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम कोकोपीट और पीट मोस के साथ मिला के भी यूज़ करते हैं। ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, पानी को होल्ड करके रखने की इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इससे होता ये है कि इससे पॉटिंग मिक्स का जो होता है वेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कोकोपीट और पीट मोस के साथ यूज़ करते हैं। दूसरा, इनमें रूट जो होती है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एरी होता है इसलिए इसमें रूट बहुत जल्दी डेवलप होती है। इसके अलावा वर्मी कुलाइट में एयर गैप होता है जिसके साथ के पानी और पानी में घुले हुए जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो इसमें अपने अंदर ये सोक कर लेता है और प्लांट्स को जब जब ज़रूरत होती है ये उनको अपने अंदर का पानी और खाना उनको देते रहता है। जब भी प्लांट्स की जरूरत होती है वो अपने खाने की जरूरत इनके ही पॉट से अपने ये हासिल कर लेता है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा इसमें सीड भी अपने जर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें आप कोकोपीट मिला के, पीट मॉस मिला के और या फिर सॉइल मिला के अपने सीड लगा सकते हैं या सिर्फ इसी में भी आप सीड लगा सकते हैं। ऐसे सीड जो आपके यहाँ के क्लाइमेट में नहीं उग पाते हैं, जिनको अलग तरह का पीएच लगता है, उसको आप वर्मी कुलाइट में जर्मिनेट करें, बहुत आसानी से आपके वो सीड जो है वो ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जर्मिनेशन रेट ज़्यादा होता है। इसमें आपके सीड खराब नहीं होने पाते, इसलिए आप जो भी सीड इसमें लगाओगे वो आपके 100% आपके सक्सेस होंगे ही और इसमें फंगस भी नहीं लगती है, जिसकी वजह से कि सीड बहुत आसानी से आपके डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इसमें सीड भी जर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए सिर्फ इसी में ही अगर हम सीड जर्मिनेट करेंगे तो इसमें खुद की कोई पावर नहीं होती है, इसको हमको अलग से खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ेगा जब आपके जो सीड है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रो करेंगे, वरना सिर्फ वर्मी कुलाइट में वो सीड जर्मिनेट नहीं हो सकते।
दोस्तों हम इसमें पॉटिंग इसमें हम अपनी जो कटिंग है कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग में जो मेन प्रॉब्लम आती है फंगस वाली और रूट रोट हो जा जो रूट गल जाती है वो इसमें नहीं होता है, तो इसमें आपकी कटिंग भी बआसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसके जरिए से आपकी जो कटिंग है उसको नमी मिलती रहेंगी। और ये मैंने कहा, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो एरी होता है तो उसकी वजह से उसको एयर भी मिलती रहेंगी, इसलिए इसमें ना आपकी कटिंग गलेंगी और ना ही उसमें फंगस लगेंगी। इसी तरह दोस्तों आपके पास अगर कोई बल्ब है या ट्यूबर है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से इसमें आपका लग जाएगा, बहुत आसानी से आप इसमें ट्यूबर्स और बल्ब्स भी उगा सकते हैं। अगर किसी बल्ब्स को या ट्यूबर्स को आप स्टोर करना चाहते हैं अगले साल लगाने के लिए तो आप इसमें उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, वो आप आपका वो बल्ब वो बहुत अच्छे से इसमें स्टोर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप जिस चीज में डालेंगे वहां का ये सारा मॉइस्चर अपने अंदर सोख कर लेता है, पूरा मॉइस्चर अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और जो है हमारे प्लांट्स को सीड्स को और कटिंग्स को जो मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो नीड्स होती है, ये उसकी पूरी करता रहता है। उसी तरह अगर आप अपने ट्यूबर्स या बल्ब को इसके अंदर स्टोर रखेंगे तो उसके आसपास का जो जितना भी मॉइस्चर है ये अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेगा, और आपके जो ट्यूबर्स है और जो आपके बल्ब है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इसको हम अपने गार्डन सॉइल जो होती है उसको अपग्रेड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वर्मिकुलाइट ऐसी चीज है जिस चीज में मिलता है उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है, उसकी जो है ग्रोइंग क्वालिटी जो होती है उसकी बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें पानी होल्ड करने की बहुत कैपेसिटी है और हर चीज के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है। अगर आपके यहाँ की गार्डन सॉइल ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा चिकनी है, या आपके यहाँ की रूट्स उसमें रूट्स फैल नहीं पा रही है तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि ये आपकी गार्डन सॉइल को जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देगा, और आपके प्लांट्स की रूट्स जो है उनको बहुत ज्यादा एयर मिलेंगी और वो बहुत ज्यादा से अपने जो रूट्स है वो डेवलप कर सकेंगे। या फिर आपके यहाँ की सॉइल जो है वो बिल्कुल सैंडी है, उसमें पानी स्टोर करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, तो आप उसमें भी इसको मिला सकते हैं, पानी को होल्ड करके रखेगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने ये वर्मिकुलाइट अमेजोन से मंगाया था, और ये किस कंपनी का है मैं वो भी अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों ये ग्रीन फील्ड की वर्मिकुलाइट है जिसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो दोस्तों ये थी मेरी वर्मिकुलाइट के बारे में कुछ नॉलेज। अगर आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।